हेलो, वेलकम टू शांतनु सर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आज जो है हमारा टेंस का लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा फ्यूचर टेंस के बारे में, फ्यूचर टेंस के सारे पार्ट के बारे में बात करेंगे, और साथ ही साथ मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको सारे टेंस का एक शॉर्ट ट्रिक बता दूंगा कि किस तरीके से जो है आप एक ट्रिक से याद रखेंगे कि कौन सा टेंस कहाँ पर जाके लगेगा या कौन सा वर्ब हम कहाँ पर जाके यूज़ होगा, जो आपके 12th बिहार बोर्ड के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और बाकी जितने भी पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस के जो भी इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे उसका उसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस से। हम देखिए, सिंपल फ्यूचर टेंस जो है जिस हुआ के अंत में गा गे गी, ये सिंपल ही है। जैसे देखते हैं कि आप जैसे प्रेजेंट टेंस में आपने देखा था, पास्ट टेंस में आपने देखा था, तो जो इसका सिंपल टेंस होता है, सिंपल फ्यूचर टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस, वो सेम टू सेम जो है वो फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस के डेफिनेशन से ही, पहचान से ही मिल जाता है। तो सेम उसी तरीके से आपने फ्यूचर टेंस में पढ़ा था कि जिस हुआ के अंत में गा गे गी लगा रहता है उसे फ्यूचर के टेंस कहते हैं। सेम उसी तरीके से आप देखिए कि सिंपल फ्यूचर टेंस जो है जिस हुआ के अंत में गा गे गी लगा रहता है उसे जो है सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। तो आप पहचान जो है वो बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। तो आइए अब स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब स्ट्रक्चर के बारे में भी आप जो है यूज टू हो गए हैं, क्योंकि आपने देखा है कि पिछले सारे वीडियो में जो स्ट्रक्चर होता है बस इंट्रोगेटिव, एफिर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में, आप अगर एक छोटा सा हेर फेर करें तो एक स्ट्रक्चर से आप चारों के चारों स्ट्रक्चर खुद से जो है सो बना सकते हैं। तो आइए हम फिर से देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्या होता है, शैल और विल का इस्तेमाल होता है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। मतलब सिंपल फ्यूचर टेंस में जो है सो शैल विल जो है वो हेल्पिंग वर्ब, एक अलग हेल्पिंग वर्ब आ जाता है क्योंकि ये फ्यूचर टेंस है। अब जानने की बात यह है कि शैल का यूज कहां पे होता है, विल की यूज कहां पे होता है, विल का यूज कहां पे करते हैं। तो देखिए, आप सीधा याद रखें जितने भी प्रोनाउन है, जैसे आई और वी, सिर्फ आई और वी जो है वो शैल के साथ इस्तेमाल होता है। बाकी जितने भी प्रोनाउन है, चाहे वो यू हो, दे हो, ही, सी, इट, नेम, कुछ भी हो, वो सारे के सारे विल के साथ प्रयोग होंगे। तो इस बात को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, आप समझ सकते हैं सिर्फ आई और वी जो है वही शैल के साथ यूज होता है। दूसरा है एफिर्मेटिव सेंटेंस। एफिर्मेटिव सेंटेंस में बच्चों ऐसा है कि आप देख रहे हैं कि आप हेल्पिंग वर्ब इसके अंदर चला गया, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद शैल विल, उसके बाद वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। एक बात और ध्यान रखें कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ वी वन लग रहा है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। उसके बाद है निगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या है तो सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप देख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, इसके अंदर जो है वो है शैल या विल, पहले शैल या विल आएगा, जैसा रहेगा आपका सब्जेक्ट उसी हिसाब से शैल विल चेंज होगा। तो शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में थोड़ा चेंज करता हूँ कि एग्जांपल आपको साथ ही साथ करके दिखाऊंगा। तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला है, उसके बाद जैसे जैसे स्ट्रक्चर का जो है सिक्वेंस है उसी तरीके से हमने एग्जाम्पल का सिक्वेंस भी रखा है। तो आप देखिए, सबसे पहले क्या वह घर जाएगा, देखिए वह कब होता है ही। अब ही के साथ कौन सा यूज होगा, विल यूज होगा, क्योंकि आप जानते हैं आई वी, सिर्फ आई वी के साथ ही सेल का इस्तेमाल होता है। तो आइए देखते हैं हम यहाँ पे विल, विल ही, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तो विल ही गो टू होम, और क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। मैं कल दरभंगा जाऊंगा, मैं कल दरभंगा जाऊंगा, मैं आई तो आई के साथ सेल लगेगा, आई सेल गो टू दरभंगा, कल है तो कल का क्या होगा टुमोरो, टी ओ एम ओ डबल आर ओ डब्ल्यू, टुमोरो, ठीक है, आई शैल गो टू दरभंगा टुमोरो। उसके बाद है हम लोग शरारत नहीं करेंगे, हम लोग है तो उसके साथ लगेगा वी शैल नॉट, वी शैल नॉट। अब जो है हमने यहां तक लगा दिया, अब शरारत का क्या होता है, तो शरारत के लिए आप दो चीज यूज कर सकते हैं, वी शैल नॉट मिसचीफ या आप प्रैंक भी लगा सकते हैं, दोनों में आप जो चाहें आप इसका इस्तेमाल करें। अब उसके बाद जो चौथा है, क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे, तो क्या तुम अंग्रेजी नहीं बोलोगे इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का है, तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको ऐसे बनाएंगे, क्या तुम है तो विल यू, क्योंकि आप जानते हैं यू के साथ विल लगेगा, विल यू नॉट स्पीक इंग्लिश क्वेश्चन मार्क। तो आपने देखा सिंपल फ्यूचर टेंस, इसको करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप कोई सा भी बड़ा से बड़ा सेंटेंस ले लें, अगर आपका स्ट्रक्चर सही रहेगा तो सारा का सारा सेंटेंस जो है वो बिल्कुल सही बनेगा, इसमें आप जो है थोड़ा सा भी टेंशन ना लें। आइए अब हम देखते हैं सिंपल फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो आइए अब देखते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। तो देखिए, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी हम पहले पहचान देखेंगे, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तथा ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, रहा होगा,
इत्यादि लगा रहे हैं तो उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। तो आपने इसका पहचान अभी देख लिया। अब हम आते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए स्ट्रक्चर जो है वो चार्ट जो है सो जैसा होते आ रहा है वैसे अब समझ ही गए होंगे आप कि जैसे आप वीडियो देख रहे हैं तो चार चार स्ट्रक्चर सबके कॉमन है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो है इसका वो होता है शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी, ये थोड़ा सा जो है इसमें एक चेंज है, प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको याद हो तो मैंने पहले भी बताया था कि जितने भी कंटिन्यूअस टेंस है ना उसमें वी फोर लगता ही लगता है, वर्ब का चौथा फॉर्म ही लगता है। उसके बाद अफर्मेटिव है तो शैल या विल जो है सो अब क्या हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद आएगा, तो सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस वी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। निगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस सब्जेक्ट। और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जो है वो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। तो आपने देख लिया कि स्ट्रक्चर में थोड़ा सा इसका चेंज हो रहा है और बी लग जा रहा है ये। और आप देखेंगे कि बोलचाल में ज़्यादातर स्पोकन में इसका बहुत कम यूज किया जाता है, ज़्यादातर जो है सिंपल फ्यूचर टेंस का ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। इसको आप जानते हैं कि आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में आपको पढ़ना बहुत ही जरूरी है, इन सब चीज़ों को आप जान लें तो बेहतर रहेगा। अब देखिए हम वन बाय वन जैसे स्ट्रक्चर लिखा उसी जो है सिक्वेंस में हमारा एग्जाम्पल है, तो आइए हम उस एग्जाम्पल को करते हैं वन बाय वन। देखिए क्या वह खेल रहा होगा, क्या वह खेल रहा होगा, तो आपको मैंने पहले ही बता दिया कि आई और वी के साथ ही सिर्फ सेल लगता है, बाकी सारे के साथ विल लगता है। तो यहाँ पे वह है तो आप जान ही गए होंगे कि इसके साथ विल का इस्तेमाल होगा, तो यहाँ पे होगा विल ही बी प्लेइंग क्वेश्चन मार्क विल ही बी प्लेइंग। देखिए ही के साथ विल आता है, उसके बाद सब्जेक्ट है, उसके बाद बी आया, उसके बाद जो है सो बी फोर आ गया। ऑब्जेक्ट है तो डालिए, अगर नहीं है तो नहीं डालना है। इसके लिए आप ये ना करें कि अरे ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा, ऑब्जेक्ट होगा तो आप डाल देंगे। अगर अच्छा रहेगा क्या वह क्रिकेट खेल रहा होगा तो विल ही बी प्लेइंग क्रिकेट, तो ऐसे करके आप जोड़ सकते हैं, कोई भी गेम हो कुछ भी हो तो आप उसको जोड़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमेशा लास्ट में आता है, उसको लास्ट में आप जोड़ सकते हैं। जैसे वह हिंदी किताब पढ़ रही होगी, देखिए इसमें ऑब्जेक्ट भी आ गया, वह मतलब कोई लड़की है तो सी विल बी रीडिंग, क्या हिंदी किताब है, सी विल बी रीडिंग अ हिंदी बुक, सी विल बी रीडिंग अ हिंदी बुक। हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे, हम लोग घर नहीं जा रहे होंगे निगेटिव सेंटेंस, और आप जानते हैं कि वी के साथ शैल का इस्तेमाल होता है। वी शैल नॉट बी गोइंग टू होम, ठीक है, ये निगेटिव आपका बन गया, वी के साथ शैल आता है, नॉट बी जैसा आप देख रहे हैं स्ट्रक्चर है वैसा है, सारा कुछ इसमें आ रहा है। तो आपने देखा कि पहले वाले में ऑब्जेक्ट नहीं था तो हमने नहीं लगा, बाकी हर में ऑब्जेक्ट आ रहा है तो हम लगाते जा रहे हैं। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होंगे, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होंगे, पढ़ाने का बोलना और तुम के साथ विल आता है, फिर आप जानते हैं तो ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो सबसे पहले तो है क्वेश्चन पूछ रहा है तो विल आ जाएगा, उसके बाद आएगा यू, उसके बाद निगेटिव भी है तो नॉट बी टीचिंग, ठीक है, क्या तुम नहीं पढ़ा रहे होंगे, विल यू नॉट बी टीचिंग। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, उसका आपने पहचान देखा, उसके स्ट्रक्चर और उसके एग्जांपल देखें। अब आइए अब बारी है फ्यूचर परफेक्ट टेंस की, अब उसके बारे में जान लेते हैं हम। अब देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस जिस वाक्य अंत में चुकूंगा, चुकूंगी, चुकेंगे, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, चुके रहेंगे, तथा आ होगा, ई होगी, ए होंगे लगा हो तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो ये इसका सिंपल सा पहचान है, आप इसको चुकेगा, चुकेगी, चुकेंगे से ही ज़्यादा पहचान सकते हैं, बाकी आप इससे बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। अगर ऐसा देखने को मिलता है तो अच्छी बात है, मैंने सारे का सारा पहचान इसमें लिख दिया है। अब आके देखते हैं कि हमारा स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि आप देखते हैं पहले हम पहचान कर रहे हैं उसके बाद स्ट्रक्चर उसके बाद एग्जाम्पल करते हैं। तो देखिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो जैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो आप जानते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा, कुछ कुछ में ऐसा क्वेश्चन मार्क छूट जाता है, फिर भी आप ध्यान रखें कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इसमें क्वेश्चन की बात होगी, क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें। अफर्मेटिव है तो ये आंसर वाला है, और निगेटिव और ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव तो फिर इसमें क्वेश्चन मार्क लग गया है। तो जैसे आप देखिए शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, पहला इसका। अब देखिए इसमें हैव लग गया, और एक चीज और आप जान लें कि जो परफेक्ट टेंस है ना उसमें वी थ्री लगता ही लगता है, तो शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें क्या है, पहले जो है इसमें इंट्रोगेटिव था तो शैल विल पहले आया, इसके बाद जो है सब्जेक्ट, उसके बाद शैल या विल, उसके बाद हैव प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट।
उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भीतरी प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव भीतरी ऑब्जेक्ट। तो आप देख सकते हैं कि सारे के सारे स्ट्रक्चर आपके सामने रखा गया है इसका। अब वन बाय वन इसका जो है हम इस्तेमाल कर लेते हैं एग्जाम्पल के साथ। देखिए एग्जाम्पल के साथ इसका इस्तेमाल कुछ इस तरीके से होगा, जैसे क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा। तो देखिए एक तरीके से जो है ये क्वेश्चन है, क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा। तो आप देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको बनाएंगे कुछ इस तरीके से। आप जानते हैं कि ही के साथ विल आता है, तो विल ही हैव, क्योंकि हैव लगेगा और हैव के साथ वी थ्री आता है, तो आप जान लें ही हैव पास्ड एग्जामिनेशन एग्जामिनेशन। तो आप जानते हैं यहाँ पे कि आप देख रहे हैं क्या वो परीक्षा पास कर चुका रहेगा, विल ही हैव पास्ड एग्जामिनेशन। तो अब जैसा स्ट्रक्चर है आप उस तरीके से आप इसको बैठा दें। उसके बाद जो है मैं 2 बजे तक अपना काम कर चुका रहूँगा, ऐसा कोई आदमी बोल रहा है कि मैं 2 बजे तक अपना काम कर चुका रहूँगा। देखिए आई के साथ शैल का इस्तेमाल होता है, तो आप बोलिएगा आई शैल हैव काम कर चुका रहूँगा, आई शैल हैव भीतरी लगेगा कंप्लीटेड माय वर्क बाय 2 o'clock। 2 o'clock मतलब आप 2 बजे तक अपना काम कर चुके रहेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क थोड़ा लगा दें, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मैं 2 बजे तक अपना काम कर चुका रहूँगा, तक का जो है वो तक के लिए बाय का इस्तेमाल किया जाता है। आई शैल हैव कम्प्लीटेड माई वर्क बाय 2 o'clock। वह बाजार नहीं जा चुकी रहेगी, मतलब कोई इंतजार में है तो वह बाजार नहीं जा चुकी रहेगी। इसको हम कैसे बनाएंगे, ऐसे सी विल नॉट have, she will not have gone to market, go went gone to market, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है निगेटिव है, she will not have gone to market। और जो हमारा चौथा है, क्या तुम 6 बजे तक नहीं पढ़ा चुके रहोगे, कोई टीचर से पूछ रहा है कि आप 6 बजे तक नहीं पढ़ा चुके रहोगे, तो आपका यहाँ पे जो सेंटेंस बनेगा वो बनेगा will you not have teached, भी लगा सकते हैं taught भी लगा सकते हैं, taught taught by 6 o'clock। आप चाहें तो इसको वर्ड में भी लिख सकते हैं, और अगर आप डिजिट में भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप 6 o'clock भी लिख सकते हैं। विल यू नॉट हैव टॉट बाय 6 o'clock, जैसा हमारा जो है सो स्ट्रक्चर उसी तरीके से जो हम एग्जांपल में उसको डाल देते हैं। तो आई होप आपको जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं जो लास्ट है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, तो आइए हम उसको देखते हैं। आइए आप देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। देखिए जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे तथा हुआ होगा, हुई होगी, हुए होंगे इत्यादि लगा हुआ हो, तो उसे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। देखिए जो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो पूरी तरीके से कंटिन्यूअस टेंस की तरह ही मिलता रहता है, क्योंकि इसमें वर्ब का जो है चौथा फॉर्म ही रहता है। दूसरा ये है कि थोड़ा सा ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसमें थोड़ा सा समय भी आ जाता है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। अब जैसे देखिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो आप देखिए इसका स्ट्रक्चर में थोड़ा सा टाइम पीरियड आ जाने टाइम आ जाने के कारण से इसका स्ट्रक्चर थोड़ा चेंज हो गया है। जिस तरीके से आप देखिए यहाँ पे पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसमें देखिए शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन बी फोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर। उसके बाद आप देख सकते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, उसमें सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी फोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर। उसके बाद तीसरा जो है निगेटिव सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन बी फोर ऑब्जेक्ट प्लस सिंसियर फोर। उसके बाद जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, उसमें जो है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस जो है उसमें शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन बी फोर ऑब्जेक्ट सिंसियर फोर। तो आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर में जो है अगर आप एक भी स्ट्रक्चर याद कर लेते हैं तो थोड़ा बहुत ही हेरफेर होता है स्ट्रक्चर को इंट्रोगेटिव निगेटिव अफर्मेटिव के हिसाब से, तो आप इसको इजीली कर सकते हैं। अब देखिए जैसा कि इसका सीक्वेंस है उसी तरीके से मेरा एग्जाम्पल का भी सीक्वेंस रहता है। तो क्या तुम 1 घंटे से खेल रहे होंगे, तो देखिए इस सेंटेंस को हम कैसे इस एग्जाम्पल को हम कैसे बनाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तुम है, तुम के साथ आप जानते हैं विल का इस्तेमाल होता है, तो सबसे पहले स्ट्रक्चर जैसा हम वही स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो देखिए स्ट्रक्चर के हिसाब से विल जो है यू के साथ आता है, तो विल यू हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour क्वेश्चन मार्क, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं ये पहला था, दूसरा है वह 10 बजे से काम कर रहा होगा, ये जो है अफर्मेटिव का है। देखिए वह के साथ भी विल आता है, तो ही विल हैव बीन वर्किंग
लेकिन यहाँ पे जो है ये 4 रहेगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम फिक्स दिया गया, वह 10 बजे से काम कर रहा होगा। ही विल हैव बीन वर्किंग सिंस 10 o'clock, ठीक है। उसके बाद है हम लोग 2021 से काम नहीं कर रहे होंगे, ऐसा देखिए सेंटेंस इस तरीके से बोला नहीं जाता लेकिन एग्जाम्पल के तरह है, तो इसको हम थोड़ा सा बना के देख लेंगे। हम लोग 2021 से काम नहीं कर रहे होंगे, तो देखिए हम इसको कैसे बनाएंगे। वी के साथ सेल आ रहा है, वी सेल नॉट हैव बीन वर्किंग सिंस, ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे जो ईयर है वो फिक्स ईयर बताया जा रहा है, सिंस 2021, ठीक है 2021। ये निगेटिव सेंटेंस था। अब अगला जो है लास्ट जो है, क्या तुम 10 मिनट से अखबार नहीं पढ़ रहे होंगे, तो इसमें देखिए हम इसको क्या बनाएंगे, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो तुम है तो विल आएगा, विल यू नॉट नॉट हैव बीन रीडिंग न्यूज पेपर। अब क्या है 10 मिनट से, तो टाइम फिक्स नहीं है, हमको पता नहीं है, ये एक जो है अंदाजा लगाया जा रहा है, तो 4 10 मिनट्स, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है, ये इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव है, तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर का आप अगर सिंपल इस्तेमाल करते हैं तो आराम से इसको बना सकते हैं, सारे का सारा जो है वो स्ट्रक्चर पे ही फिट हो रहा है। तो बहुत ही नॉर्मली आप जो है इस प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सारे स्ट्रक्चर और उसके पहचान को आप इजिली समझ सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इससे पहले जो है प्रेजेंट पास्ट और जो है फ्यूचर का अभी पूरा जो है वीडियो कम्प्लीट हो गया, और मैं जो प्रेजेंट पास्ट ऐसे बचे जो इसको देखना है तो उसका जो है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्रेजेंट पास्ट टेंस के बारे में। और आप इस वीडियो को इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसको कमेंट और शेयर जरूर करें। और मैंने एक चीज़ और बताया था कि मैं जितने सारे बिहार बोर्ड में टेंस के ऊपर जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो क्वेश्चन का पैटर्न होता है, उसको मैं इस वीडियो में कवर नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहता हूँ, मुझे लगा कि एक सेपरेट वीडियो बना के आपको बताना चाहिए। तो आप जो है उस वीडियो के अंदर आप देखेंगे कि बिहार बोर्ड में किस तरीके के ग्रामर से टेंस से और से रिलेटेड किस तरीके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।